हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित गोयल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से आपका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ट्रांस फैट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कहां मिलते हैं और इनका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ट्रांस फैट्स एक तरह का फैट होता है जो कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड और जो बाहर का खाना जब खाते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। इसको बेसिकली जो हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल में, तो ये ट्रांस फैट बनता है, जो कि जब हम नॉर्मल ऑयल को भी हीट करते हैं तो दोबारा हीटिंग करने पर भी जो हमारा वेजिटेबल ऑयल इट गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रांस फैट्स। तो बेसिकली ये क्यों यूज होता है मार्केट में, क्योंकि एक तो ये सस्ता होता है प्रोड्यूस करने में, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और इससे जो खाने में जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। बट स्वाद के लिए इसके जो साइड इफेक्ट है हमारे शरीर पर वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक्सेसिव ट्रांस फैट जब कंज्यूम करते हैं बाहर के खाने में, प्रोसेस खाने में, मीट में, तो ये हमारी एक्सेसिव फैट आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इससे जो हार्ट की, ब्रेन की, जो पैरालिसिस की, हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ओबिसिटी, डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, एंड इन फीमेल्स इट कैन ऑल्सो कॉज समटाइम्स इनफर्टिलिटी, ओवेरियन कैंसर और डाइजेस्टिव इश्यूज। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करें घर में, और बाहर अगर आप खाना खाने जाते हैं तो आप रेस्टोरेंट में हमेशा पूछ सकते हैं कि वो किस ऑयल में खाना बनाते हैं, और कोशिश करिए कि ट्रांस फैट अवॉइड हो। जो हेल्दी ऑयल होते हैं वो होते हैं हमारे सनफ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, अगर इसमें खाना बनता है तो आप इनका आराम से सेवन कर सकते हैं। बट जो सॉलिड फैट्स होते हैं, जो वनस्पति होता है, उनको आप अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि जो टेस्टी और अनहेल्दी खाना है उससे आप कम टेस्टी और हेल्दी खाने पे ज़्यादा जाएं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, वीट सब कुछ आता है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो कोशिश करें मटन और जो हमारा रेड मीट है उसको अवॉइड करें, और फिश और टेंडर मीट, चिकन, जो बोनलेस चिकन है, आप उनका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करना है हमें कि कम से कम हमारे खाने में ट्रांस फैट्स कम से कम हो, और हेल्दी फैट्स जो रिच है पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उनका इंटेक ज़्यादा हो, तो हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।